नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एमजे फिल्म प्रोडक्शन के अध्यक्ष मृत्युंजय ने बताया कि एमजे फिल्म प्रोडक्शन एवं प्लेयर्स फाउंडेशन जल्दी एक टीवी टैलेंट शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हम है हुनरबाज, जो कि ईश्वर चैनल पर 30 जनवरी से रिलीज होगा और जिसका प्रोमो आपको जल्द देखने को मिलेगा। हमारे इस शो का उद्देश्य ऐसी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करते हुए सामने लाना है जिनका टैलेंट सामाजिक आर्थिक मजबूरियों के कारण कहीं खो गया हो। वैसे टैलेंट को ढूंढ कर दुनिया के सामने लाकर एक उचित मुकाम देना ही इस शो का वास्तविक उद्देश्य है। एमजे फिल्म प्रोडक्शन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि नए व छिपे टैलेंट को टीवी सीरियल मूवी वेब सीरीज टैलेंट शो के माध्यम से समय समय पर उचित प्लेटफार्म देकर दुनिया के सामने लाना और उन्हें एक उचित मुकाम तक पहुँचाना। उचित प्लेटफार्म न मिलने के कारण दम तोड़ती प्रतिभाओं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है उनके गॉडफादर बनने का कार्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से करेगी। एमजे फिल्म प्रोडक्शन पिलर्स फाउंडेशन जो कि विगत 7 वर्षों से हाशिए पर रह रहे लोगों के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों हेतु सिलाई कढ़ाई पार्लर प्रशिक्षण विभिन्न मुद्दों पर परामर्श विधिक परामर्श विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आदि संचालित कर रही है। इस दौरान पिलर्स फाउंडेशन ने पाया कि एक उचित प्लेटफार्म न मिल पाने के अभाव में टैलेंट भीख मांगने तक को विवश है। कोरोना काल में यह समस्या और बढ़ गई है। पिलर्स फाउंडेशन समाज के विभिन्न तबकों में इन छिपी प्रतिभाओं को ढूंढने का कार्य करेगा और एमजे फिल्म प्रोडक्शन उन्हें अपने बैनर तले मंच प्रदान कर दुनिया के सामने लाकर एक उचित मुकाम प्रदान करने का प्रयास करेगी, जिसमें उन्होंने दर्शकों एवं प्रबुद्ध जनों के सहयोग एवं आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते रहने की बात कही है। इस कार्यक्रम में आस्था मा डांस डायरेक्टर संजू के अलावा मेघा अदिति आदि जैसे प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे और क्रम से अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सभी ने इस शो के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। कहीं भी दिल्ली NCR गाड़ी खराब होती है टू व्हीलर तो हम वहीं जाकर ठीक करते हैं। अगर वहाँ ठीक नहीं हो पाती तो वहाँ तो साथ अपने सेंटर को लाते हैं ठीक करके फ्री ऑफ कॉस्ट लौटा। इस फाउंडेशन में आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे इन भाई के साथ जुड़े हुए कलर फाउंडेशन से और कई कार्यक्रमों में उनके साथ जुड़ा हुआ तो इन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं दिव्यांगों से मेरे से पूरे देश का दिव्यांग जुड़ा हुआ पूरे दिल्ली NCR बिहार पंजाब यूपी कहीं इनके इवेंट या कोई प्रदर्शन होते हैं तो ये लोग मुझे बुलाते हैं तो मैंने देखा कई दिव्यांगों के लिए जो काफ़ी अच्छे टैलेंट है उनके अंदर। सर, बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास आपका नंबर नहीं है, आप अपना नंबर एक बार बताएं जो हर किसी तक पहुंच सके। जी, मेरा नंबर है 9891687780 9891817780। क्या इस नंबर पर कोई दूसरा उठाएगा या आप उठाएंगे? नहीं, मैं उठाऊंगा। आप ही उठाएंगे। कितने देर के अंदर उन्हें सहायता मिल जाएगी? मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं दिल्ली द्वारका में रहता हूँ और काफ़ी टाइम से मैं चीफ एडिटर हूँ ज्योतिष चक्र का, इनमें मैगजीन पब्लिश करता हूँ और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सचिन जी का कि उन्होंने बहुत अच्छे टाइम से उन्होंने हमें याद किया और ये जो काम करना चाह रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएटेड बात है और मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा इनको मैं और पूरा मेरा तन और मन से, धन तो इनको चाहिए नहीं क्योंकि तन और मन से मैं पूरा सपोर्ट करूँगा इनके साथ हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार हमने ऐसा लग रहा है कि वो टैलेंट, दुनिया में बहुत सारा टैलेंट है लेकिन वो छुपा है, सब लोग कैमरे के सामने नहीं आ सकते टैलेंट पे। आपका अगर किसी का कोई बच्चा डांस कर रहा है कुछ कर रहा है आप कैमरा ऑन करेंगे तो तुरंत वो बंद कर देगा। ये छुपा कैमरा ये जो काम करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। छुपे हुए कैमरे के सामने जितने भी टैलेंट है उसको बाहर लेके आने वाली बात है और देश में एक ये अलग से एक ये अच्छा लग रहा है कि ये जानकर कि सर जो हमारे इंडिया में काफ़ी टैलेंट है जो छुपा होता है, जैसे कई लोगों को पता भी नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकते हैं और ये चीज़ निकल कर आएगी मतलब इस शो के दौरान कि वो क्या क्या कर सकते हैं और उनके अंदर क्या क्या टैलेंट है, वो इस चीज़ को अपने आप को पहचानेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये शो के बारे में सुन के। मैं भी जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं जज वगैरह तो नहीं बिठाऊंगा लेकिन मेरे ना अतिथि वगैरह होंगे जो उनको उनके कार्य के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आगे वाले शोज में आपको भी मौका मिले अतिथि बनकर जाने का। तो किन चीज़ों पर परिचय दे सर? हाय, मैं संजीव राजपूत और मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ लास्ट 17 ईयर से और
इस शो के अंदर जो जिसका नाम है हम है हुनरबाज, इस शो का हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें सभी बच्चों के जो टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आना है विदाउट एनी प्राइस। हमें फर्स्ट सेकेंड नहीं करना है और हमारा मेन उद्देश्य ही ये है कि कोई बच्चा डीमोटिवेट ना हो। अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते हैं तो बाकी बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें उन बच्चों को निराश नहीं करना है और उनके अंदर एक इंप्रेशन लेके आना है कि वो हर चीज़ को अच्छे से कर सके। तो हमारे शो का मेन उद्देश्य यही है और हमें उन्होंने बाद जल्दी टीवी पे स्टार्ट होगा। थैंक यू। मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महात्मा हजारीलाल अमृतसर। सर हम हुनरबाज में किस तरह से आप सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए हमारा जो ट्रस्ट है इसमें हम सहयोगी संस्था के तौर पर इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें हम बच्चों की शिक्षा पे आईआईटी नीट की जो बच्चे जैसे इकोनॉमिकल रूप से फैमिली सक्षम नहीं है तो हम आईआईटी नीट के बच्चों को कोचिंग उपलब्ध कराते हैं। साथ में स्वास्थ्य में जो भी हमसे हेल्प बनती है स्वास्थ्य में और बच्चों को युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराते हैं। अभी इसमें हमने महिला सुरक्षा के लिए भी एक काम किया, निर्भया ऐप जो निर्भया जो हमारे देश में बेटी के साथ हुआ था उसके लिए हमने दिल्ली पुलिस को दो बार इसके ऊपर सुझाव दिए और दिल्ली पुलिस हमें दो बार इसका रिप्लाई भी आया और तीसरी मीटिंग हमने जल्दी पुलिस कमिश्नर से होने वाली है। मैं मेघा ठाकुर और मैं सर के साथ जुड़ी हूँ इस शो के लिए और साथ ही साथ मैं सर के साथ बहुत ही हेल्प कर रही हूँ, उनके साथ एनजीओ में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हूँ। बस मेरा एक्चुअली मेन मोटिव ये है कहने का कि सर ने लॉन्च किया है अभी एमजे प्रोडक्शन जिसके रिगार्डिंग हम लोग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं उनका शो दिखाने के लिए। सर ने अभी खुद ही बताया कि आने वाले टाइम पे वेब सीरीज आने वाली हैं और कुछ शोज आने वाले हैं और ये जो टैलेंट शो हो रहा है इसके जरिए हम बच्चों को सपोर्ट। आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? यहाँ पे मैं सर आप कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं और मैं सबको इवन जितना मैनेज में हेल्प कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से उतनी हेल्प कर।